जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज चूंकि दारुल उलूम फातिमा ज़हरा सफ़ा नगरी ज़ैनपुरा मौजूद नाज़रीन मोहतरम प्राउड मोमेंट सानी वैली खातिर सानी शेयो बेनो कोर आज आलिमा कोर सत कम्प्लीट और इमन च आज दस्तारबंदी अस नि चूंकि सिस्टर मौजूद वली उमन पर छव अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीन इस्तफा मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुन लाख लाख हमद सना शुक्र एहसान यमिस मुसलमान घरन मज़ पैद कर और बे के दिन युत तौफीक इस के वन इदारन मज़ पन असमत पन इज़्ज़त के महफूज और बेचस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर लज बद दुरूद सलाम के सोजन तेम के चंद दिन खतर वारे तकलीफ के बर्दाश्त खुशी छो विकस गसन तिकस आलमा कोरस तई करू कंप्लीट जनवरी मस और क्या छु तई विकस पैगाम देवन कोमस खतर यमस कोमस में सैन बची के छ सैन जवान ते छ तुमन खतर क्या मैसेज होइस अस हच विकन वारे खुशी कर महसूस मतलब ये हको न इस इकट अख खुशी छ आसन स छ एकिस बेस हकन बर्थ मगर ये खुशी छ तिस खुशी ये हको न इस एकिस बेस मस बर्थ ते किहि तने ये खुशी छ तिस खुशी मतलब अस छ वारे ज्यादा प्राउड छ पानस पानस पर फील के करन और ब किस बाकन बचियन बाकन यमन बेनन ते के गुजारिश के करन ते तिम के यन मदरसन मस तिम के वछन के यम के जन वानन के छ मदरसन मस सिर्फ दाल के दिवन यम के जन वानन के छ मदरसन मस कमजोर बची के गसन तिमन के छ ब वानन क्या सब बची कमजोर यमिस के जन हाफिज हाफिज कुरान के विकन तम सिंदिस दिलस मन सब बची कमजोर यम सिंदिस दिलस मन के बुखारी शरीफ यम तम सिंदिस दिलस मन के कुरान पाकुक तफसीर सब बची कमजोर किन सब बची कमजोर यस के जन खोतन के इमन मदरसन मन यनस ब किस तिमन गुजारिश के करन कि तिम के यन तिम के अक लट के वछन के मदरसन मन और बे किस ब पनिस मौल सब ति वारे शुक्र गुजार यम यस के जन यम सान खत य तकलीफ बर्दाश्त करित य च पाम रट लकन निश घर पत घर के फेरन सान खत ये के वो तुम अकिस मालिस के जो कौर तो तेस कूत तकलीफ के वातन तुम तुम पालनस मज हालांकि अस अक वन चीज अनु ब्याचस बे मगर अस के वन हथ खत ज्यादा कौर के यन तुम वो अमिस मौलिस अम सुन तेज वारे शुक्र गुजार यम के जन अतन यानी के मेरी तरफ से यही मैसेज रहेगी कि अल्लाह रब्बुल अगर हम चाहेंगे कि हम अगर हम चाहेंगे कि जो हमारी फतह और नुसरत का ज़रिया है हम कामयाब हो जाए दुनिया में भी आखिरत में भी और उसके लिए ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहते हैं अगर हम कोई भी तरीका फॉलो करेंगे वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं लव आता तनी मिनकुल तरीक अब इस्तबदहु मिनकुल बाब यानी आप अगर कोई भी यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कुरान में कोई भी तरीका अगर आप अपनाओगे आप चाहोगे कि हम यहाँ से अल्लाह को ढूंढेंगे वहाँ से अल्लाह को ढूंढेंगे उस तरफ हमें अल्लाह राजी होगा इस तरफ से अल्लाह राजी होगा फलान दरवाजे से जाएंगे तो अल्लाह ताला ऐलान करते हैं लम फतह तलहू हत्ता यदखुलु खल्फक अल्लाह तबारक व ताला ऐलान करते हैं मैं तब तक तुमको कामयाबी और कामरानी का दरवाज़ा नहीं खोलूंगा जब तक तुम मेरे नबी के पीछे पीछे नहीं चलोगे। यानी हमें यही है कि बस दुनिया और दुनिया फ़ानी होने वाला है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कुल्लु मा अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इक्राम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में कह रहे हैं कि सब कुछ मिटने वाला है सब कुछ ख़त्म होने वाला है बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही बाकी रहेगी। जब सब कुछ ख़त्म होने वाला है तो हमें अपनी डिग्निटी जो है हमें पहचाननी है कि हमारा मुकाम क्या था बिफोर इस्लाम और हमें यह पहचानना है कि अब इस्लाम ने हमें कैसा स्टेटस दिया बिफोर इस्लाम हमारे साथ क्या सलूक किया जाता था। हमें अरब में तो ये दस्तूर था अगर कोई बेटी पैदा होती थी उसको जिंदा दरगोर करते थे या फ्रांस में या जापान में तो ये तरीका था कि अगर कोई बेवा हो जाती थी तो उसको जिंदा ये उसको जीने का हक नहीं देते थे उसको जिंदा शवहर के साथ जलाते थे मगर ये ऐसा इस्लाम है नबी अलैहिस्सलाम जब से दुनिया में आए उन्होंने हमें ऐसा मुकाम दिया कि लड़की अगर अगर नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ऐसा मुकाम दिया नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसकी दो बेटियां होंगी अगर वो उनको अच्छी तरबियत करेगा और उनको अच्छी तालीम देगा और उनकी किफालत करेगा वो कल कयामत में मेरे से इतना करीब होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने दो उंगलियों की तरफ इशारा फरमाया जितनी दो उंगलियां करीब होती है उतनी उतने करीब वो इंसान जन्नत में मेरे नज़दीक होगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ऐसा मुकाम दिया कहा कि अगर बीवी होगी तो तुम्हारे लिए दिल का सुकून अगर बेटी होगी औरत अगर ये बेटी होगी तो तुम्हारी इज्जत
अगर बहन होगी तो तुम्हारी असमा तुम्हारा नामूस, और नबी अलैहिस्सलाम ने जिसने हमें ऐसा स्टेटस दिया और हमें उनको बुलाना नहीं चाहिए, हमें ऐसे इस्लाम को बुलाना नहीं चाहिए जिन्होंने हमें दुनिया में मुकाम दिया, हमें कुछ नहीं समझा जाता था बिफोर इस्लाम। तो लिहाजा हमें उस दीन पे, हम उस दीन को दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए, हमें अमल पैरा होना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान करते हैं, तब तक तुम कामयाब नहीं हो जाओगे, तब तक मैं तुम्हारे लिए कामयाबी का दरवाजा नहीं खोलूंगा, हत्ता यदखुलु खल्फक, जब तक तुम नबी अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे नहीं चलोगे। तो लिहाजा हमें यही करना चाहिए, हमें नबी अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चलना चाहिए। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है उठो, वैसे हम उठते हैं, इसलिए हम कमजोर है, हमने कमजोरी दिखाई है। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है बैठो, वैसे हम बैठते हैं। जैसे अब नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है पहनो, वैसे हम पहनते हैं। लिहाजा हम कितने नाशुकुर है, हम कितने नाइंसाफ है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ऐसा मुकाम दिया लेकिन हम उनके दीन पे नहीं चल सकते। लिहाजा उसके लिए एक ही दरवाजा है कि ये घर में इंसान को ये अमल नहीं हो सकता, घर में इंसान को दीन हासिल नहीं हो सकता। लिहाजा हमें उलमा किराम के करीब जाना चाहिए, हमें उलमा किराम के मदारिसों में एडमिशन करवाना चाहिए अपनी बच्चियों का, अपने बहनों का। तो लिहाजा ताकि हम भी इस दुनिया में भी कामयाब व कामरान हो जाए और आखिरत में भी हमें कामयाबी और कामरानी मिले अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से।